सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिनमिन सिरप के बारे में कि अगर आप मिनमिन सिरप का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, कैसे इसका प्रयोग करना है और कौन कौन लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं किस केस में इसका उपयोग किया जाता है। तो यदि आपको भूख नहीं लग रही, आपको चक्कर आ रहा है, आपके अंदर खून की कमी है या फिर आपको आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है तो उस केस में अगर आप मिनमिन सिरप का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों इसका जो प्रयोग है महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके डोज की, क्या क्या डोज हैं। तो यदि आपकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप इसका प्रयोग 10 ml सुबह 10 ml शाम में करिए, और यदि आपकी उम्र 10 साल से लेकर 18 साल के बीच में है तो उस केस में आप 7 ml सुबह 7 ml शाम खाना खाने के बाद में इसका प्रयोग करें। दोस्तों इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है, ऑरेंज फ्लेवर में आता है और पीने में काफ़ी अच्छा होता है। इसका जो प्राइस है वो 130 रुपये से 140 रुपये के बीच में है और ये आपको सभी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की। तो जो पहला फार्मूला है इसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट है, दूसरा फार्मूला फॉलिक एसिड है, आयरन है, साइनोकोबालामिन है। कुछ इस तरह के इसमें फार्मूले डाले गए हैं, जो डेक्सोरेन सिरप में फार्मूले होते हैं सेम फार्मूले इसमें भी डाले गए हैं। तो अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो यदि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी होती है तो बहुत जल्दी आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और या फिर अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो अगर आप इस सिरप का प्रयोग करते हैं तो कमजोरी भी बहुत जल्दी आपकी दूर हो जाएगी। और बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है और कई लोगों ने इसका प्रयोग किया है लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो अगर आपको भी कमजोरी महसूस होती है या फिर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी है तो उस केस में आप इस जो मिनमिन सिरप है इसका प्रयोग करिए, आपको काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। दोस्तों डोज के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि 10 ml सुबह 10 ml शाम में प्रयोग करना है, खाना खाने के बाद में ही इसका प्रयोग करना है। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकती हैं और पुरुष हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल इसका महिलाएं ही प्रयोग करें या पुरुष ही प्रयोग करें, दोनों लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं यदि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो में कुछ रह गया हो, जो जानकारी हमने आपसे ना शेयर की हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।